उत्तर प्रदेश से पकड़े गए आतंकियों ने किया बड़ा खुलासा। आतंकियों के निशाने पर था राम मंदिर। एटीएस ने काशी मथुरा के नक्शे भी किए बरामद। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। हरियाणा पर पानी रोकने का लगाया आरोप। अनुच्छेद 370 और 35 को लेकर महबूबा मुफ्ती ने फिर दिया बयान। कहा 370 और 35 हमारे लिए जरूरी, सरकार से जारी रहेगी लड़ाई। केंद्र सरकार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सुझाव। कोरोना के वक्त किसी भी त्यौहार को मनाना सही नहीं, खतरा अभी भी बरकरार। असम और मेघालय में विधानसभा का बजट सत्र शुरू। हेमंत सरकार इस बार लाएगी 14 विधेयक। भारत के अलग अलग राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने से हुई लोगों की मौत। यूपी में 41, राजस्थान में 20 और एमपी में 7 लोगों की गई जान। पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। लगातार दो दिन स्थिर रहने के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी। 28 पैसे तक बड़े दाम। राजधानी दिल्ली में 101 के पार पहुंची कीमत। भोपाल में 109 रुपए के करीब पेट्रोल। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2021 के फाइनल में इटली के मैटियो बेरेटिनी को हराकर करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। इटली ने जीता यूरो कप का खिताब। पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को 3-2 से हराया। और अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर रिलीज। देश प्रेम से भरी है फिल्म, दर्शकों को पसंद आ रहा है ट्रेलर।